हेलो एवरीवन, ग्लोबल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी का एक और टॉपिक, दैट इज द एसोसिएशन। एसोसिएशन के बारे में आज हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एसोसिएशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस हम डिस्कस करेंगे, इसके एलिमेंट्स वगैरह हम पूरा डिस्कस करेंगे, जो भी आगे एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो आगे सुपरवाइजर्स एग्ज़ाम है या बहुत सारे पीएससी एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम इस लेसन में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखते हैं कि एसोसिएशन जो है इसका मीनिंग क्या है। एन एसोसिएशन इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर पार्टिकुलर पर्पज़ और ए लिमिटेड नंबर ऑफ पर्पज़। तो एसोसिएशन एक ऐसा ग्रुप है जो किसी मकसद से बनाया जाता है। एसोसिएशन बनाने का कोई खास मकसद होता है, या तो इसका कोई बहुत बड़ा मकसद होता है या कोई छोटा मोटा मकसद होता है। किसी भी एतबार से जो एसोसिएशन बनाई जाती हैं, टू कंटिन्यू एन एसोसिएशन देयर मस्ट बी फर्स्टली ए ग्रुप ऑफ पीपल। सबसे पहले एसोसिएशन बनाने के लिए कुछ लोग होने चाहिए। सेकेंडली दीज पीपल मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड वन, ये ऑर्गेनाइज्ड वन होने चाहिए। दैट इज देयर मस्ट बी सर्टन रूल्स ऑफ देयर कंडक्ट इन द ग्रुप, इनके कुछ रूल्स वगैरह होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए इनकी। एंड थर्डली दे मस्ट हैव ए कॉमन पर्पज ऑफ स्पेसिफिक नेचर ऑफ परस्यू, और उनका जो है जो उनका गोल है वो बिल्कुल कॉमन होना चाहिए। जो भी वो आगे जिस मकसद से वो एसोसिएशन बनाने जा रहे हैं, तो इन तमाम लोगों का वो एक कॉमन गोल होना चाहिए, तो उस मकसद के लिए जो एसोसिएशन वगैरह बनाई जाती हैं। दस फैमिली, चर्च, ट्रेड यूनियन, म्यूजिक क्लब ऑल आर द इंस्टेंस ऑफ एसोसिएशन। तो एग्जांपल्स यहाँ कुछ दी हैं एसोसिएशन की, जैसे फैमिली एसोसिएशन होती है चर्च में होती है, ट्रेड यूनियंस वगैरह होती हैं, जैसे हमारे यहाँ एजुकेशन में भी बहुत सारी ट्रेड यूनियंस बनाई हैं, टीचर्स एसोसिएशन है, लेक्चरर्स एसोसिएशन, इसी तरीके से जो है म्यूज़िक क्लब्स, तो ये जो है बहुत सारी एसोसिएशन बनाई जाती हैं, अनएम्प्लॉयड एसोसिएशन, एम्प्लॉयड एसोसिएशन, या शॉपकीपर्स की अपनी एक कुछ एसोसिएशन वगैरह होती हैं, स्टूडेंट्स एसोसिएशन होती हैं, तो इस तरीके से जो ये एसोसिएशन वगैरह बनाई जाती हैं, ये खुद ब खुद जो है बनाई जाती हैं, इनका जो है एक मकसद, एक टारगेट के लिए जो है ये तमाम एसोसिएशन बनाई जाती हैं। Associations may be found on several basis, for example on the basis of duration, तो इनकी इसकी कुछ basis होती हैं, जैसे ये on the basis of duration बनाई जाती हैं, किसी मखसूस time period के लिए बनाई जा सकती हैं, that is temporary or permanent, या तो ये temporary बनाई जा सकती हैं कुछ अरसे के लिए, या permanent भी बनाई जा सकती हैं। लाइक फ्लड रिलीफ एसोसिएशन विच इज़ टेम्प्रेरी, जैसे कभी कभी जो है कोई फ्लड वगैरह कहीं आता है, तो उन फ्लड्स जो उनमें जिन लोगों का नुकसान हो आता है, तो उनके लिए जो है एक एसोसिएशन बनाई जाती है, जो वहाँ उनकी हेल्प करने के लिए एक एसोसिएशन बनाई जाती है, फ्लड रिलीफ एसोसिएशन। तो इस किस्म की जो एसोसिएशन होती हैं बिल्कुल टेम्प्रेरी होती हैं। एंड स्टेट विच इज़ परमानेंट, तो इस तरीके से जो है स्टेट जो है ये परमानेंट एसोसिएशन है, स्टेट में जो बनाई जाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पावर, दैट इज स्वर्ण लाइक स्टेट, सेमी स्वर्ण लाइक यूनिवर्सिटी, एंड नॉन स्वर्ण लाइक क्लब, और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, दैट इज बायोलॉजिकल लाइक फैमिली, वोकेशनल लाइक ट्रेड यूनियंस और टीचर एसोसिएशन, रिक्रिएशनल लाइक टेनिस क्लब और म्यूजिक क्लब, फिलेंथ्रेपिक लाइक चैरिटेबल सोसाइटीज़। तो ये कुछ जो है यहाँ एसोसिएशन बताई गई हैं कि किस किस टाइप्स की जो है एसोसिएशन होती हैं। देन सम ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एसोसिएशन आर मैंशनड बिलो, कुछ डेफिनेशन जो है कुछ फिलासफर्स ने एसोसिएशन से रिलेटेड बताई हैं, उनको हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मैकलीवर, एन ऑर्गेनाइजेशन डेलिब्रेटली फाउंड फॉर द कलेक्शन परसुएट ऑफ सम इंटरेस्ट और ए सेट ऑफ इंटरेस्ट विच द मेम्बर्स ऑफ इट शेयर, इट इज़ टर्म्ड एज एसोसिएशन। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको खुद ब खुद बनाया जाता है, जानबूझकर बनाया जाता है, लोगों का इंटरेस्ट देखकर बनाया जाता है, विच द मेंबर्स ऑफ इट शेयर, और इसके जो मेंबर्स हैं वो जो है इस इंटरेस्ट, इनका जो एक कॉमन गोल रहता है। तो इस तरीके से जब भी कोई एसोसिएशन, कोई ग्रुप बनाया जाता है, उसको बोलते हैं एसोसिएशन। तो ये मैकलीवर की डेफिनेशन है। देन जेंसबर्ग राइट्स, एन एसोसिएशन इज ए ग्रुप ऑफ सोशल बींग्स रिलेटेड टू वन एन अदर बाई द फैक्ट दैट दे पोजेस और हैव इंस्टीट्यूटेड इन कॉमन
an organization with a view to secure specific end or the specific ends. तो इसने जिन्सबर्ग ने क्या कहा है, they are related to one another by the fact, यानी एक ऐसी association जिसमें लोग जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उनका जो है common goal होता है, they have instituted a common an organization, उनकी एक common organization बनाते हैं, और इस तरीके से जो है एक organization, एक community तैयार होती है, एक group तैयार होता है. तो इस तरीके से जो ये जेंसबर्ग की definition है. Then GDH goal, वो क्या कहते हैं, by an association I mean any group of person pursuing a common purpose, कुछ एक group, लोगों का group जिनका एक common purpose हो, by course of cooperation action extending beyond a single act and for this purpose agreeing together with certain methods of procedure. तो इस तरीके से जब वो एक group बनाते हैं तो उनका जो है एक common goal होता है, उस पर जो है वो तमाम लोग इत्तफाक करते हैं, and laying down in however rudimentary a form rules or a common action. और वो जो है जब वो इस किस्म का कोई group बनाते हैं तो वो एक common rules बनाते हैं, एक common platform बनाते हैं. तो उस तरीके से जो वो फिर अपना आगे काम शुरू करते हैं. उसके बाद हम देखते हैं essential elements of associations. Essential elements क्या हैं associations के, होप अभी तक ये जो है आपको क्लियर हो गया होगा. ये जो डेफिनेशन है इनको आपने दो दो तीन तीन बार देखना है. मैंने जैसे पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि ये जो डेफिनेशन है इनमें से कभी आ सकता है, किसी राइटर से रिलेटेड कोई डेफिनेशन पूछी जा सकती है. तो इसने इसमें जो है आपने राइटर से रिलेटेड रिलेट करके जो आपने डेफिनेशंस बनानी है. अब हम जो है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एसोसिएशन डिस्कस करेंगे. अच्छा, इट इज ए कंक्रीट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले एसोसिएशन के बारे में क्या, इसका पहला एलिमेंट क्या है कि इट इज ए कंक्रीट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Association is a group of person collected together with some particular aim. किसी खास मकसद से जो है ये बनाया जाता है. Particular aim के लिए जो है ये बनाया जाता है. It is thus a concrete group which can be seen while at work. और ये एक practical group होता है जिसको जो है हम खुद अपनी आँखों से देख सकते हैं. Thus, in contrary to society, association is a concrete form of organization of human beings. तो सोसाइटी के बनिस्बत एसोसिएशन जो है एक कंक्रीट फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें लोग जो है प्रैक्टिकली हमें दिखाई देते हैं, लोगों का एक झुंड हमें दिखाई देता है, ये जो है कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं. इट इज़ एस्टेब्लिश्ड, इसको जो है बनाया जाता है. जैसे कम्युनिटी और सोसाइटी में हमने देखा कि वो जो है नेचुरली एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहता है, खुद ब खुद जो है वो चीज़ें वजूद में आती हैं. लेकिन ये जो सोसाइटी है ये खुद ब खुद, ये जो एसोसिएशन है ये खुद ब खुद नहीं बनती, बल्कि इनको जो है बनाया जाता है. लाइक कम्युनिटी एसोसिएशन डज नॉट ग्रो स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद नहीं बनता है. इट इज़ नो नेचुरल ग्रोथ एंड इट डज नॉट ग्रो इटसेल्फ, ये खुद ब खुद नहीं बनता. दे आर क्रिएटेड बाई मैन टू सेटिसफाई सम मोटिव्स और कॉज रूल्स एंड रेगुलेशन आर फॉर्म टू रन ए पार्टिकुलर काइंड ऑफ एसोसिएशन and the member of association run it on the basis of these rules and regulations. तो ये खुद ब खुद जो है जैसे मैंने पहले आपको बताया ये खुद ब खुद वजूद में नहीं आती हैं, इनको जो है एक रूल के तहत, एक मकसद के तहत खुद ब खुद बनाया जाता है. उसके बाद जो है इसके कुछ रूल्स वगैरह रेगुलेशंस वगैरह बनाए जाते हैं. तो उस तरीके से ये जो एसोसिएशन है फिर ये काम करती हैं. देन वी फाइंड ए कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट होता है, टू बी फॉलोड बाई द ऑफिस बियरर्स एंड अदर मेम्बर्स ऑफ एसोसिएशन. Moreover, their rules and regulations are subject to drastic changes. इनके जो rules regulations होते हैं associations के, ये जो वक़्त के साथ बदल भी सकते हैं. If the creator of association desires so, जिसने ये association बनाई है अगर वो इसमें rules और regulations को change करना चाहे तो वो कर सकता है. Its aim is determined. No association is formed without aim. तो जो भी association बनाई जाती है वो किसी न किसी मकसद से ज़रूर बनाई जाती है. There is a problem and the solution of it becomes the aim of the association found to solve such problems. अगर एक सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए associations बनाई जाती हैं और उनका एक टारगेट बन जाता है, हमने जो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए ये काम करना है. तो उस तरीके से जो ये association जो है वजूद में आती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, if it is a drastic association then its aim will be naturally be to stage dramas and plays. agar koi dramatic association hai to unka kaam hai ki wo jo hai dramas aur plays banaye. no association can maintain its identity without any distinct aim and object. koi bhi association jo hai apne maqsad ke bagair apni identity ke bagair kuch bhi nahi kar sakti.
फॉलोअर्स ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस आर द ओनली मेंबर्स, जो एसोसिएशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया कि इसके जो अपने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, तो जो लोग इस एसोसिएशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा वही इसके मेंबर हो सकते हैं, जो इसके रूल्स को फॉलो नहीं कर सकता है तो उसकी जो है मेंबरशिप ख़त्म हो जाती है। एवरी एसोसिएशन फ्लोज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस, इट आल्सो कंटेन कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द मेंबर्स, दोज हु फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड फॉर एंड पार्टिसिपेट इन द परसुएट ऑफ एम ऑफ द एसोसिएशन आर ओनली कॉल्ड द मेंबर ऑफ इट, तो जो भी इनके रूल्स को फॉलो करेगा वही जो है इसके मेंबर हो सकते हैं। एनीवन एक्टिंग कंट्ररी आर डिसओइंग द ऑब्लिगेशंस एज मेंबर्स में भी एक्सपेल्ड फ्रॉम द मेंबरशिप, जो भी इसके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेगा उसको एक्सपेल किया जाता है एज पर द प्रोसीजर फ्रेंड बाय द पर्पस। फॉर एग्जांपल इफ द मेंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन स्टॉप्स बिलीविंग और स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग द पॉलिसीज ऑफ एसोसिएशन ऑफ विच ही हैज बीन हिदरटो द सपोर्टर शैल सीज टू बी द मेंबर। मान लो कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई गई है तो जो इस पॉलिटिकल एसोसिएशन की जो आइडियालॉजीज हैं, अगर कोई मेंबर इस एसोसिएशन का कोई मेंबर जो है इसकी इन आइडियालॉजीज़ को फॉलो नहीं करेगा तो उसको जो है वो उसकी जो मेंबरशिप है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, उसको जो है निकाल दिया जाता है। इट आल्सो बिकम्स ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मेंबर टू कॉपरेट विद अदर्स इन द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स और द एसोसिएशन, तो जो भी इसके मेंबर्स रहते हैं वो उनका जो है ये एक उनके ऊपर जो है ये ज़रूरी हो जाता है कि वो जो है अपनी एसोसिएशन के जो रूल्स हैं जो इसका गोल है उसको फॉलो करें, अदरवाइज वट फॉर एल्स इज ही द मेंबर, या फिर वरना अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर उसका जो है मेंबर बनने का कोई मकसद ही नहीं रहेगा। वट इज हिज एम ऑफ ज्वाइनिंग सच एसोसिएशन, द आंसर इज इट इज़ यूजलेस फॉर हिम टू बी द मेंबर ऑफ सच एन एसोसिएशन एंड इट इज़ इक्वली यूजलेस फॉर एन एसोसिएशन टू कीप सच एन इंडिविजुअल ऑन द मेंबरशिप लिस्ट, तो जो इसके रूल्स को फॉलो करेगा वो मेंबर रहेगा, जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा तो वो जो है इस मेंबरशिप लिस्ट से खारिज हो जाता है। इट्स मेंबरशिप वॉलेंट्री, तो जो भी इसका एसोसिएशन का मेंबर बनना चाहे वो जो है अपनी मर्जी से बन सकता है, वॉलेंट्रली जो है कोई भी इंसान मेंबर बन सकता है। एन एसोसिएशन इज़ नॉट एन एसोसिएशन एसेंशियल ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्टेट और सोसाइटी, नाइदर इट इज़ नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन, ये नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं, इन विच एवरी वंस कंट्रीब्यूशन कैन बी आस्क्ड फॉर ए नेचुरल ग्राउंड्स, नाइदर देयर इज एनी कॉमन इंस्टिंक्ट अमंग द पर्सन बेस्ड ऑन कॉमन एंड यूनिफाइड आइडियोलॉजी टू बिकम द मेंबर ऑफ पार्टिकुलर एसोसिएशन, एंड ऑल्सो देयर इज नो विप फ्रॉम द हेवंस आर स्टेट टू एवरी सिटीजन टू फॉर्म एसोसिएशन एंड टू बिकम इट्स मेंबर, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी दुनिया में जो भी लोग है हर जो है हर इंसान जो है एक एसोसिएशन बनाए या किसी एसोसिएशन का मेंबर बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि कोई भी इंसान जो है अपनी मर्जी से किसी भी एसोसिएशन का मेंबर बन सकता है और जब उसको चाहे वो जो है अपनी मेंबरशिप ख़त्म भी कर सकता है, तो ये कोई ज़बरदस्ती या कोई ज़रूरी नहीं हो जाता कि हर मेंबर जो है किसी एसोसिएशन का जो है मेंबर बन जाए, बट द मेंबरशिप ऑफ द एसोसिएशन इज़ वॉलेंट्री, ए पर्सन बिकम्स द मेंबर बिकॉज ही वांट्स इट, अगर कोई किसी एसोसिएशन का मेंबर बनना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से बन सकता है, बिकॉज ही लाइक्स इट एंड ही फॉलोज ए फीलिंग और डिसलाइक्स ही इज़ एब्सोल्युटली फ्री टू डिसओन एनी सच एसोसिएशन, और अगर उसको लगता है कि कोई एसोसिएशन जो है जो उसकी सोच के मुताबिक काम नहीं कर रही है तो वो उसको जो है छोड़ सकता है। यहाँ इन्हें मान लो एग्जाम्पल दिया है, मिस्टर ए इज़ फ्री टू बिकम द मेंबर ऑफ आर्य समाज एंड शिफ्ट इट्स मेंबर फ्रॉम आर्य समाज टू संथन धर्म समाज, अगर कोई मान लो इंसान है ए वो जो है आर्य समाज का मेंबर बनता है, बाद में जो है वो वहाँ से चेंज होके सनातन धर्म समाज का भी मेंबर बन सकता है, तो आर्य समाज को छोड़ सकता है। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस नो लॉ एंड नो सुप्रेशन ऑफ मिस्टर ए फॉर हिज चेंजेस, तो उसके लिए जो है कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है ना कोई लॉ ऐसा है कि उसके साथ ज़बरदस्ती करे कि जो एसोसिएशन आपने ज्वाइन की अब जो है आपको इसी एसोसिएशन से इसके साथ काम करना है, तो ये जो है एक इंसान को अपनी मर्जी रहती है कि वो किस एसोसिएशन के साथ कब तक काम करे। एंड एसोसिएशन एग्जिस्ट फॉर इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्ट, एसोसिएशन जो है एग्जिस्ट करती है अपने एम्स और ऑब्जेक्ट्स की वजह से, द लाइफ एंड ऑब्जेक्ट एसोसिएशन इज़ अप टू द अचीवमेंट ऑफ द एम फॉर विच इट हैज़ बीन क्रिएटेड, जो उसका एसोसिएशन का एम है जब तक उसका एम जो है
पूरा नहीं होता तब तक जो है वो एग्जिस्ट करती है। जब उसका एम पूरा हो जाए तो ये जो एसोसिएशन जो है ख़त्म हो जाती है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एसोसिएशन आफ्टर हिज अचीवमेंट ऑफ द एम बिकम्स इमटीरियल एंड इरेलीवेंट। जब इसका गोल जो है, जो इसका मकसद था एसोसिएशन का, जब वो पूरा हो जाता है उसके बाद जो है ये इसका कोई मकसद नहीं, बाद में जो है इसका कोई वजूद नहीं रहता, ना इसका कोई फ़ायदा है बाद में रहने का। ये मान लो जैसे ये जो है बाद में ख़त्म हो जाती है, इसका कोई एम ही नहीं रहता। जब इसका कोई मकसद नहीं रहता तो फिर ये खुद ब खुद जो है ख़त्म हो जाती है एसोसिएशन। इट बिकम्स नॉमिनल एंड लाइफलेस बॉडी ऑफ फॉर्मलिटीज ओनली। द एम इज़ द सोल ऑफ द एसोसिएशन। तो इसका जो मकसद है वो एम है, कि किसी भी एसोसिएशन का जो है वो जब तक ना एम हो तब तक उसका कोई मकसद ही नहीं रहता। तो ये हमने एसोसिएशन के बारे में हमने पढ़ा। जो कुछ भी मुझे एसोसिएशन से रिलेटेड जो मुझे अवेलेबल मटेरियल हो मैंने आप सबके सामने जो है यहाँ डिस्कस किया। होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। उसके अलावा जो है मैं कोशिश करूँगा जो भी अभी तक हमने टॉपिक्स पढ़े उनका जो है, अगर आगे मुझे और मज़ीद कुछ मज़ीद इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं उनकी अलहदा से आपके लिए जो है बाद में एग्ज़ाम से पहले पहले जो है क्विक रिविज़न ऑफ ऑल द टॉपिक्स मैं जो है वो एक सीरीज शुरू करूँगा एग्ज़ाम से पहले पहले। उसमें जो भी इन टॉपिक्स में जो कुछ भी रहेगा वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। उसके अलावा जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो है मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप MCQs भी बना लो ताकि हमें जो आसानी हो जाए। तो अगर मैं हर वीडियो के साथ एक MCQs भी लेके आऊँ तो वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो जाती है, थोड़ी सी उसमें जो है अपलोडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जब 2-3 या 4 यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं जो है आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ जो है MCQs बनाऊँगा। तो उसके जो है मैं एक अलहदा से आपके लिए MCQs के अलहदा जो है वीडियोस वगैरह बनाऊँगा ताकि आप जो भी यहाँ पढ़ते हो आपको पता चले कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको आता भी नहीं है, आता भी है या नहीं। तो वो जो मैं आपको बताना चाहूँ कि वो मैं अलहदा जो है आपके लिए MCQs के अलहदा लेक्चर्स वगैरह वो लेके आऊँगा। लेकिन फ़िलहाल जो है मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हमारा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिलेबस काफ़ी लंबा है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके पहले हम टॉपिक्स पर ही ज़्यादा ध्यान दें, जितना जल्दी जो है हमारा सिलेबस कवर हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम भी काफ़ी, अब सिर्फ 2-2.5 महीने रहे हैं। इसलिए मैं जो है अभी MCQs पर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दे रहा, मैं चाहता हूँ कि पहले जो है ये टॉपिक्स जो है फ़ौरन जल्दी जल्दी से जो है हमारे कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो है हम MCQs पर भी MCQs की भी सीरीज लेके आएंगे। ओके, होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल, और आप जो है चैनल को, इस लेक्चर को लाइक भी कीजिए। ओके, थैंक्स, और अपने फ्रेंड्स में जो है ये लेक्चर सीरीज इसको जो है शेयर भी कीजिए, क्योंकि शेयर करने से जो है नॉलेज बढ़ता है। ओके, थैंक्स।